हे गाइस, वेलकम टू ब्लेंडिंग फ्लेवर्स। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं खीर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम हाफ कप चावल ले रहे हैं। हमने कमोद की जो कणकी आती है यानी कि छोटे वाले चावल वो लिए हैं। उसे भिगो के आधे घंटे के लिए साइड में रख देना है। हमने धो के उसे साइड में रख दिया है। और अब हम एक पैन में 2 टीस्पून जितना घी लेंगे और उसमें हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। आप जो भी मनचाहा ड्राई फ्रूट हो वो ले और इस तरह से रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद ड्राई फ्रूट का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे स्किप करें, डायरेक्टली भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाए फिर इस तरह से एक बर्तन में निकाल लें। और अब हम उसी पैन में 1 लीटर दूध डालेंगे और दूध को उबालेंगे। दूध का एक बॉयल आ जाए उसके बाद इस तरह से केसर है उसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे, जिससे खीर का कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हमने जो चावल भिगोए थे उसमें से 2 से 3 चम्मच चावल और थोड़ा सा दूध लेके इस तरह से ग्राइंड कर लेना है मिक्सचर जार में। इस तरह से दूध और चावल का मिक्सचर डालने से हमारी खीर थोड़ी ज़्यादा थिक बनेगी। और जो बचे हुए चावल है उसमें हम 1 टीस्पून जितना घी डाल के उसे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हमारा दूध उबल के थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है उसके बाद हम उसमें चावल डाल देंगे और उसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे चावल कुक नहीं हो जाते। आपको फ्लेम मीडियम ही रखनी है और फिर उसे कुक करते जाना है। और जब तक चावल पक ना जाए तब तक इस तरह से कंटिन्यूसली स्टीर करते रहना है। फिर इस स्टेज पे हमने जो केसर वाला दूध किया था वो डाल देंगे, जिससे हमारी खीर में कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। फिर उसे कुक होने देना है और थोड़ा सा थिक हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे जो चावल और दूध का मिक्सचर है वो, जिससे हमारी खीर ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हमारे चावल कुक हो चुके हैं, उसके बाद हम 1/3 कप जितनी चीनी डालेंगे। चीनी तभी डालनी है जब हमारे चावल कुक हो जाए, वरना चावल कुक नहीं होंगे। फिर डाल रहे हैं थोड़ी सी चिरौंजी और इलायची पाउडर और फिर उसे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं खीर कितनी बढ़िया लग रही है। अब ने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है वो भी डाल देंगे। अगर आपको खीर थोड़ी सी थिक लग रही है तो आप थोड़ा दूध डाल दें उसके अंदर। और प्रॉपरली मिक्स करने के बाद हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल ब्लेंडिंग फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।